पहली नौकरी हर किसी के जीवन में एक विशेष स्थान रखती है और अमिताभ भी इससे अलग नहीं है। मैं कलकत्ते में नौकरी करता था एक कंपनी में और मेरी तनख्वाह थी 500 रुपए। अमिताभ बच्चन अपने कामकाजी जीवन और कोलकाता में बिताए दिनों को आज भी याद करते हैं। अमिताभ बच्चन के जीवन में 30 नवंबर का दिन खास मायने रखता है। उनसे कोलकाता और बंगाल जुड़े हुए हैं। सन 1968 में आज ही के दिन हरिवंश राय बच्चन के बेटे ने कोलकाता में अपने कामकाजी जीवन में पूर्ण विराम की लकीर खींच दी थी। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उनकी वो मैनेजिंग एजेंसी कंपनी थी। अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर एक फैन का पुराना ट्वीट शेयर किया। उस ट्वीट में ना सिर्फ नौकरी का आखिरी दिन बल्कि अमिताभ बच्चन की पहली सैलरी का आंकड़ा भी पता चलता है। ट्वीट में कहा गया है, कलकत्ता में ब्लैकर्स कंपनी में अमिताभ बच्चन के करियर की आखिरी तारीख 30 नवंबर 1968 थी। वेतन 1640 रुपये। अभी भी उस फाइल को संरक्षित करके रखा गया है। अमिताभ बच्चन ने लिखा, हम 10 फीट चौड़े कमरे में एक साथ रहते थे। उन्होंने ये भी लिखा, वो सुनहरे दिन थे। ऑफिस के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क स्ट्रीट के एक मशहूर रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा रहता था और मैंने सोचा कि एक दिन शायद मैं इसके अंदर जाने के लिए पैसे कमा सकूं। उसके बाद अमिताभ और उनके दोस्त कभी कभी दरवान से मिन्नत करके अंदर जाने की कोशिश भी करते थे। इस बात का जिक्र भी उन्होंने ट्वीट में किया। यही नहीं रुके, अमिताभ ने कहा कि कोलकाता आने पर वो आज भी पुराने दोस्त से मिलते हैं। यहाँ तक कि रात के अंधेरे में छोड़ी गई शहर की मशहूर जगहों पर भी बॉलीवुड शहंशाह घूमने जाते हैं। अमिताभ ने लिखा, कुछ खो गए, कुछ दोस्त रह गए, लेकिन उनका प्यार अब भी मुझ पर बना हुआ है।